हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। दिन की शुरुआत होते घनी सोचा कि आज ब्लॉग बनाया जाए, क्योंकि आज शहर फरोजाबाद के अंदर बहुत ही बड़ा मेला लगता है, तो हमने सोचा वहीं जाके एक ब्लॉग बनाया जाए। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं, शुरू करते हैं। हमारे शहर के अंदर ही मेला था, तो हम लोगों ने सोचा बाइक ही निकाल ली जाए, क्योंकि बाइक से ही राइड करने में अच्छा लगता है। तो हम लोगों ने सोचा बाइक से ही चला जाए, क्योंकि बाइक से राइड करने में मजा भी आ रहा था। चलिए आगे चलते हैं, मेले में जाके देखते हैं क्या होता है। ये क्या भाई, मेले पहुंचे तो देखा जाम ही जाम चारों तरफ। मेले में शुरुआत होते खड़ी भाई, बाइक तो छोड़ो, पैदल जाने वाले लोगों को भी रास्ता नहीं मिल जाता। ये सब लोग बेचारे पैदल ही चल रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी पैदल ही चलूँ, क्योंकि मुझे ब्लॉग बनाना था। तो मैंने अपने दोस्तों से कहा तू भाई बाइक लेके आगे आ, जब तक मैं पैदल ही निकल रहा हूँ। मैं थोड़ा आगे पहुँचा तो मेरा दोस्त भी आ गया, तो हम लोग बैठे और चल लेते हैं। थोड़ा आगे बढ़ाते हैं वीडियो को, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए चलिए आगे पहुँचे तो देखा भाई साहब हमें मिल रहे कि गाड़ी आगे नहीं जाएगी, साइड में लगा लो भाई। तो हमने सोचा ठीक है भाई, साइड में तो लगाना पड़ेगा। भाई भीड़ देख रहे, गजब की भीड़ थी भाई, सब लोग इंजॉय कर रहे थे। हमने सोचा क्यों ना हम भी इंजॉय करें, इसलिए हमने स्टैंड वगैरह में अपनी गाड़ी खड़ी करी, क्योंकि हमें भी आगे जाके इंजॉय करना था। वहाँ पे हमारे दोस्त कुछ लोग मिल गए जिनसे वहाँ हाय हेलो भी हुआ। हमने सोचा चलो भाई ठीक है, बाय बाय। फिर हम लोगों ने आगे बढ़े तो देखा गाड़ी वाले भैया कह रहे थे यहाँ पर गाड़ी खड़ी करो और पर्ची कटा लो आगे। तो वहाँ गए तो भाई इतनी भीड़ थी, पर्ची कटाने में मानो जैसे फ्री में पर्ची कट रही हो, लेकिन असल में फ्री में नहीं थी भाई, पैसे लग रहे थे, क्योंकि हमने भी पैसे दिए। आगे बढ़े, हमने कुछ लोग हमारे मिलने वाले ही मिले वहाँ पर, तो हमने उनके साथ भी एंजॉय करा। देखो भीड़ देखो, काफ़ी भीड़ भाई, मानो के पूरा फरोजाबाद ही आगे हो जाए। भाई अगर मेले में जाओ दही बड़े नहीं खाए भाई, यहाँ के दही बड़े बेहद मशहूर होते हैं, काफ़ी ठेले आपको लगे हुए मिलेंगे। तो हमने सोचा भाई थोड़ा सा खाया, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हमें घर से निकले हुए। तो हम लोगों ने दही बड़ा भी खाया, क्योंकि काफ़ी अच्छा भी लगता है दही बड़ा खाने में। मेरे दोस्तों को मिर्ची पसंद नहीं थी, इसलिए उसने मना कर दी। फिर हम आगे बढ़े भाई, थोड़ा अलग जगह पे जाके शूट करते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत थी, काफ़ी थी। तो हम लोग थोड़ा भीड़ से हट के शूट करा, और आगे दरगाह भी थी, तो दरगाह पे भी हमें जाना था, इसलिए हमने दरगाह पूरा मुआयना लिया। ये देखिए कितनी भीड़ है, आप ही देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको इंसान आदमी चेहरे पर ही रह रहा है। Life is a lesson, startups no sin. I try to be human, find a solution, my revolution. ऐसा नहीं था भाई, मैं ही अकेला एंजॉय कर रहा हूँ, मेरा दोस्त भी बहुत एंजॉय कर रहा था भाई। उसने सोचा कि मैं कुछ बच्चों के लिए लूँ, लेकिन काफी वो ले नहीं रहा था, थोड़ा एंजॉयमेंट कर रहा था भाई। और ये देखिए हर चीज मिल जाती है वहाँ पर आपको, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, कुछ भी भाई। बचपन की यादें ताजा हो गई गाड़ी देखते, क्योंकि हम भी छोटे थे तो यही गाड़ी लाया करते थे हाथ वाली। मैंने भी सोचा ट्राई करके मैं भी देखूँ कुछ बच्चों के लिए, लेकिन भाई मेरे बच का नहीं था, क्योंकि वो उसे बस खाली भूल लिया था, बच नहीं गया था। मैंने चला आगे चलाया, आगे गए तो भाई माउस वगैरह और बच्चों के लिए काफ़ी झूले लगे हुए थे, बच्चे काफ़ी इंजॉय भी कर रहे थे भाई। भाई आप एक बार इस मेले में देखिए तो सही, आके बहुत अच्छा मेला लगता है, शहर का बहुत बढ़िया टॉपर मेला, दूसरा बड़ा मेला नहीं लगता है। छोटे बड़े के सबके लिए झूले वगैरह का सबका इंतजाम है भाई, काफ़ी झूले चल रहे थे, बड़े बड़े झूले थे, बिजली वाले थे, और बढ़िया इंजॉय कर रहे थे लोग वहाँ, बढ़िया। दरगाह भी थी, ये आपको दरगाह दिखाते हैं, काफ़ी ऊंचाई पे दरगाह है, बहुत ऊंचाई पे भाई। और कहते हैं पानी जमुना का जब आता है उबालता है तो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि भूख भी लग रही थी, तो हमने पूछा कुछ खाया, देखा जाके जाके भाई गर्मा गर्म पकौड़े सीख रहे थे। तो हमने आंटी जी से कहा हमें भी गर्मा गर्म पकौड़े खाए, तो फाइनली हमने पकौड़े लिए और बैठ के खाए। पकौड़े काफी अच्छे थे भाई, मजा आ गया खा के। आगे बढ़ते हैं, वीडियो आगे बढ़ाते हैं। वहां पर देखा हमने भाई काफी भीड़ थी, शोर शराबा तो मानिए बस इतने लोग जा नहीं रहे थे, उससे ज्यादा लोग आ रहे थे। जहाँ तक नजर जा रही थी ये देखिए पहाड़ी पर चिड़ियाघर, और आपको दिखाता हूँ अभी मैं वीडियो में, चिड़ियाघर में भी काफ़ी लोग की भीड़ थी,
अरे हालांकि वहाँ पर चिड़ियाघर है, लेकिन कोई जानवर वगैरह नहीं मिलेगा वहाँ पर, सिर्फ इंसान ही इंजॉय करते हैं आज के वक्त में। वो तो होगा किसी जमाने में भाई चिड़ियाघर, लेकिन इस टाइम पर सिर्फ खाली इंसान नहीं। फिर मेरे दोस्त को ख्याल आया क्योंकि वहाँ पर पहाड़ी पे जाके टाइटेनिक फोटो खिंचाया जाए, मैंने कहा भाई एक वीडियो बना दे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी जल्दी जल्दी फुर्ती से पहाड़ी पे चढ़ा और फाइनली मैंने जाके एक भाई टाइटेनिक टाइम मैंने एक वीडियो क्लिक की। हालांकि जहाज पे नहीं पहाड़ी पे था। ठीक है भाई, तो भाई बड़ा मजा करा, देखिए काफी लोग एंजॉय भी कर रहे थे उस पहाड़ी पे। फाइनली चढ़े हम तो देखा काफी लोग एंजॉय कर रहे थे, सब लोग जहां तक नजर जा रही थी, ये बहुत ऊंचाई पे है पहाड़ी जाती है, लेकिन मजा भाई बहुत मजा आया कसम से। तो हम लोगों ने भी एंजॉय करा काफी अच्छी तरीके से, वीडियो भी शूट करी, मौसम भी अच्छा काफी हो चुका था। आगे बढ़े तो देखा लड़के लड़कियां भाई सब लोग मजे ले रहे थे। ये हमारे पीछे था वाटर प्लांट, और इसका सोर्स कहाँ है मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा वाटर प्लांट है। तो भैया सोचा आगे चलते हैं, नीचे उतरते हैं, कि वो सीढ़ी तो थी नहीं ना ही वहां पर जीना था, ऐसे ही भाई पैदल ही उतरे। भाई मेरे दोस्त को ख्याल आया मैं देख के मैं भी टाइटेनिक पोज दूंगा, लेकिन भाई वो नहीं दे पाया क्योंकि उसको शर्म लग रही थी भाई, पहला ब्लॉग था ना। लेकिन वहां पर खड़े लोग जो थे लड़के, उन लोगों ने हाई वेलो करा, वीडियो शूट करवाई, उन लोगों ने बड़ा एंजॉय करा भाई, हमने भी उनके साथ एंजॉय करा। तो आगे बढ़ते देखा तो भाई बच्चे लोग ऊँट की सवारी कर रहे थे, तो हमने यार बड़ा देख के वो हो रहा, हमने की अंकल से भाई अंकल क्या ऊँट पे हम लोग बड़े लोग भी बैठ सकते हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप लोग भी बैठ सकते हो। फाइनली हम लोगों ने ऊँट की सवारी भी ली, राइड तो बहुत ली है भाई, ऊँट की सवारी भी ली, बड़ा एंजॉय मजा आया भाई फाइनली। लेकिन ज्यादा एंजॉय नहीं आया क्योंकि उन्होंने हमें उतार दिया जमुना के पास। आ जाइए आपको दिखाते हैं जमुना, यहाँ से मैंने आपको कहा था फाइनली वहाँ जो पानी का सोर्स था यहाँ से जाता है, जो वाटर प्लांट है यहाँ से भाई जमुना थी। आगे मैंने दोस्त से कहा आगे मत जा भाई, क्योंकि जमुना है काफी बड़ी जमुना थी, क्योंकि उसमें अगर पैर फिसल गया तो भाई 10-12 फुट का तो किनारे पर ही गहरा था। ये देखिए पुल है, इसी जमाने यहाँ पर पुल नहीं होता था क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इंसान नाव से जाया करता था। आगे बढ़ते हैं देखा आगे चल के तो बच्चों को खेल खिलौने ही मिल रहे थे, काफी सामान मिल रहा था, सोचा कुछ लिया जाए बच्चों के लिए, तो हम लोगों ने भी कुछ बच्चों के लिए लिया और मेरे दोस्त ने भी लिया। यहाँ पे सब चीज मिल रही थी, ज्यादातर बॉल वगैरह, बॉल है, स्टिक है, कुछ भी आप ले सकते हो। ये देखिए बॉल है काफी अच्छी अच्छी और लेडीजों के लिए भी थी, लड़कियों के लिए भी काफी। एक चीज मुझे बहुत पसंद आई यहाँ पे, सबसे बढ़िया चीज ये आपको दिखाता हूँ, ये डॉल, ये डॉल मुझे काफी पसंद आई, क्योंकि ये डॉल जो है भाई बस मेरे दिल को छू गई। मैंने वीडियो शूट करा अच्छी तरीके से, आप लोगों को भी काफी पसंद आई होगी उम्मीद करता हूँ। ये देखिए मेरे दोस्त ने दो भाई बंदूक ली आने के लिए, मुझे नहीं भाई अपने बच्चों के लिए ली, खेल खिलौने लिए। मैंने घर वालों के लिए हलवा लिया क्योंकि यहाँ का हलवा बहुत पसंद है भाई, सोफीपुर की दरगाह पे आओ और हलवा नहीं लेके जाओ ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, हर इंसान हलवा लेके जाता है। काफी दुकानें होती हैं यहाँ पे हलवे की, भाई मैं तो हर साल जाता हूँ हलवा जरूर लेके जाता हूँ भाई, मैंने अपने हाथ से खोला क्योंकि वो दुकानदार। आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा, हम लोगों ने भी वापस आने की तैयारी कर ली थी। ये देखिए आप देखिए कितनी भीड़ है भाई, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी ये देखिए भीड़ ही भीड़, आपको सिर्फ सर ही नजर आएंगे भाई। फाइनली हम लोगों ने आए स्टैंड पर, अपनी बाइक उठाई और चल दी घर के लिए, क्योंकि रात भी होने जा रही थी, शाम हो चुकी थी, 5 बज चुके थे भाई, और जो सिक्योरिटी लगी होती है वो 6 बजे तकरीबन सब लोगों को जाने के लिए कह देती है, क्योंकि ये मेला जो है बहुत आउट में लगता है, सोफीपुर का मेला मशहूर है इसी नाम से। तो हम लोगों ने ना फाइनली घर पे चलते हैं, क्योंकि काफ़ी भीड़ भी थी, क्योंकि भीड़ में जाम भी लग जाता है, इसलिए हम लोगों को जल्दी निकलना पड़ा, काफ़ी थक गए थे भाई। इन लोगों ने बहुत एंजॉय करा देखा आपने, सब यानी कि सब लोग एंजॉय करते हैं भाई वहाँ पर। फाइनली बच्चों के लिए हम जो खिलौना लाए, बच्चों ने भी एंजॉय करा,
हम भी खुश, बच्चे भी खुश।